नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीगार्ड स्मार्ट एप्लीकेशन में आप यहां पे किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही गाइस हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो देख सकते हैं दोस्तों वीगार्ड स्मार्ट एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो देख सकते हैं गाइस डाउनलोडिंग की बात करें तो गाइस 100K+ इसकी डाउनलोडिंग है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस इस तरह यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलता है। दोस्तों वीगार्ड आई स्मार्ट एप्लीकेशन में ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है, तो गाइस आपको ईमेल ID और पासवर्ड फिलअप करके साइन इन कर लेना है या रजिस्ट्रेशन करना है या अकाउंट क्रिएट करना है इस एप्लीकेशन में। तो गाइस यहाँ पे वो भी ऑप्शन देखने को मिलता है, न्यू यूज़र साइनअप, सिंपल सा आपको वहाँ पे भी टैप करना है। जैसे वहाँ पे टैप करेंगे तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपना नाम फिल करें यहाँ पे, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ईमेल ID को फिल कर लेना है, एड्रेस फिल कर लेना है इस तरह से। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है या एंटर कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे अल्टरनेट नंबर भी फिल कर सकते हैं या सेल नंबर भी फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्टरनेट नंबर को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, आप किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका सिटी सिलेक्ट कर लेना है, आप किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या अनदर एरिया का आप यहाँ पे सिटी फिल कर सकते हैं। आपके एरिया में जो सिटी आती है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं या तालुका भी फिल कर सकते हैं। लैंडमार्क आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, तो मैं यहाँ पे 123 कर देता हूँ। पिन कोड फिल कर लेना है एरिया का। पिन कोड फिल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, जो आपको लैंग्वेज समझती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर लेना है। नेक्स्ट इंटरफेस खुल के आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप भी इस तरह दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पर टैप कर लेना है आपको। आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, तो ईमेल ID को हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर लेना है, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन करवाते समय, उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। दोस्तों ईमेल ID और पासवर्ड फिल करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको साइन इन पे क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे वीगार्ड आई स्मार्ट एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इस तरह इस एप्लीकेशन में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। होपफुली आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिए, साथ ही गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज जय हिंद, वंदे मातरम।